सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। प्रीवियस में आपने जो स्टेटस देखा, इस तरीके का स्टेटस आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो अगर आप भी इस तरीके का स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और अभी तक आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको प्ले स्टोर पर एक वीपीएन डाउनलोड करना है, सिक्योर वीपीएन, ठीक है। वीपीएन कनेक्ट करना है, उसके बाद आपको कैपकार्ड ओपन करना है, ठीक है। कैपकार्ड ओपन करने के बाद कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, फोटोज़ पे जाना है और आपको ये वाला फोटोज आपको पहले ऐड करना है, ठीक है। और जो भी मटेरियल मैं यूज़ करूँगा आपको टेलीग्राम चैनल पे इजीली मिल जाएगा। उसके बाद आपको ऐड ऑन पे क्लिक करना है, तो कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा फॉर्मेट, फॉर्मेट पे क्लिक करना है, 9:16 सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बैक आना है और आपको एंडिंग पार्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। इस तरीके से हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से इमेज को सिलेक्ट करना है और इसका आपको जूम आउट करके इस तरह से कम कर लेना है, ठीक है, इस तरह से कम कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले ऑडियो ऐड करना है। ऐड ऑडियो पे क्लिक करना है, साउंड्स पे जाना है और फ्रॉम डिवाइस दिखाई दे रहा है, फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक करना है और आपको ऑडियो ऐड कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑडियो ऐड करना है, ठीक है। ऑडियो ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका जो बीट मार्क है आपको इस तरीके से आप देख सकते हैं, बीट मार्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आपको बीट मार्क को यहाँ पे एडजस्ट करना है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। फर्स्ट बीट मार्क इस पॉइंट पर है, ठीक है, इस पॉइंट पर फर्स्ट बीट मार्क है। तो आपको क्या करना है, इमेज को फर्स्ट बीट मार्क पर लेके चले जाना है। इस तरीके से फर्स्ट बीट मार्क पर लेके आ जाना है, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट बीट मार्क पर आ जाना है, इस जगह पर आपको आ जाना है। आपको राइट साइड पे प्लस दिखाई दे रहा है, प्लस पे क्लिक करना है और आपको वीडियो ऐड करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे वीडियो ऐड करना है, ऐड पे क्लिक करना है। वीडियो का ऑडियो आपको सिंपल से म्यूट कर लेना है सिलेक्ट करके, इस तरीके से ऑडियो म्यूट कर लेना है, ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पर जाके आपको 9:16 इस तरीके से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से आपको फिल स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 बीट है। अब मैं इस पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे बीट है और आपको देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस बीट पे, तो ये जो बड़ा वाला लाइन दिखाई दे रहा है आपको इस सिंपल से इस बीट पे आ जाना है और वीडियो को सिलेक्ट करना है, स्प्लिट कर देना है और बाकी पार्ट को डिलीट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं बीच पे और एक बीट है, आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे, तो सिंपल से फिर से वीडियो को स्प्लिट कर देना है, यहाँ पे स्प्लिट कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो बीच वाले ने आपने स्प्लिट किया था इसको आपको सिलेक्ट करना है व्हाइट पे और अब देख सकते कुछ इस तरीके से आएगा। सिंपल से आपको ब्लेंच पे क्लिक कर देना है और इसका ड्यूरेशन आपको पूरा कम कर देना है, उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट बीट मार्क पे चले जाना है, फिर से आपको यहाँ पे देख सकते हैं पूरा बीट मार्क पे आ जाना है, यहाँ पे इस बीट मार्क पे व्हाइट साइड पे, राइट साइड पे व्हाइट प्लस दिखाई दे, व्हाइट प्लस पे क्लिक करना है। सिंपल से आपको यहाँ पे वीडियो ऐड करना है, ठीक है, इस तरीके से वीडियो ऐड करना है, ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपल से वीडियो को इस तरीके से फिल स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। वीडियो को सिलेक्ट करना है, इस तरीके से जूम इन करके फिल स्क्रीन कर लेना है। फिल स्क्रीन कर लेने के बाद देख सकते हैं फिर से सेकंड बीट मार्क जो है यहाँ पे बड़ा वाला, इस पर जाना है, स्प्लिट कर देना है, बाकी पार्ट को डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट कर देने के बाद देख सकते हैं बीच पर छोटा सा बीट है, इस पर आना है, फिर से आपको वीडियो स्प्लिट कर देना है। वीडियो स्प्लिट कर दिया और आपने जो वीडियो स्प्लिट किया बीच वाले ऑप्शन पे, इस पर क्लिक करना है और आपको फिर से क्या करना है, ब्लेंच वाले जो है इफेक्ट सिलेक्ट कर देना है और ड्यूरेशन आपको पूरा 1 सेकंड रखना है, ठीक है। उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है, तब देख सकते कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से। उसके बाद फिर से आपको सेम प्रोसेस करना है, वीडियो को ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे वीडियो ऐड करना है, ऐड पे क्लिक करना है और वीडियो को सिलेक्ट करके आपको पूरा फिल स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा वाला बिट मार्क इस पॉइंट पे जाना है, वीडियो को स्प्लिट कर देना है, बाकी पार्ट को डिलीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं फिर से छोटा वाला बिट मार्क इस पॉइंट पे है, तो आपको सिंपल से यहाँ पे स्प्लिट कर देना है, ठीक है। और बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको ब्लेंच पे जाके सिलेक्ट कर देना है, ड्यूरेशन आपको पूरा 1 सेकंड रखना है, ठीक है। उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है, इस तरीके से। तो इसी प्रोसेस के साथ मैं सभी कंप्लीट कर लेता हूँ, अच्छे से आप देख लेना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। इस पॉइंट पर आ जाना है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, प्लस पे क्लिक करना है, आपको वीडियो ऐड करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको वीडियो ऐड करना है, ऐड पे क्लिक करना है, वीडियो को सिलेक्ट करना है, इस तरीके से फिल स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको बीट मार्क वाले, बड़ा बीट मार्क वाले पे चले जाना है, स्प्लिट कर देना है, बाकी पार्ट को डिलीट कर देना है, ठीक है। अब देख सकते बीच में छोटा वाला बीट मार्क है, ये वाला बीट मार्क आपको सिंपल से ये वाला बीट मार्क पे आ जाना है, स्प्लिट कर देना है और बीच वाले जो ऑप्शन है स्प्लिट किया था इस पर क्लिक करना है और आपको सिंपल से ब्लेंच वाला इफेक्ट सिलेक्ट करना है, ड्यूरेशन 1 सेकंड रखना है, राइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर से आपको बड़ा वाला बीट मार्क पे आ जाना है, प्लस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे वीडियो ऐड कर लेना है, इस तरीके से ऐड पे क्लिक करना है
और बड़ा वाला बिट मार्क पे चले जाना है सिंपल से, और आपको क्या करना है स्प्लिट कर देना है, बाकी पार्ट को डिलीट कर देना है ठीक है। उसके बाद छोटा वाला बिट मार्क पे आ जाना है और आपको यहाँ पे स्प्लिट कर देना है, और बीट फिल ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ब्लेंच इफेक्ट सिलेक्ट करना है ठीक है। इस तरीके से उसके बाद एडिट पे क्लिक करना है, इस तरीके से आपको कर लेना है ठीक है। फिर से बड़ा वाला बिट मार्क पे आ जाना है, प्लस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे वीडियो ऐड करना है, ऐड पे क्लिक करना है। और आपको इस बार देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला एक बिट मार्क है, यहाँ पे और एक बिट मार्क है ठीक है। तो आपको लास्ट जो बिट मार्क है इस पॉइंट पे जाना है, स्प्लिट करना है, बाकी पार्ट को डिलीट कर देना है ठीक है। डिलीट कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे इस बिट मार्क पे आ जाना है, वीडियो को स्प्लिट कर देना है ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे और एक बिट मार्क, आप देख सकते हैं और एक बिट मार्क है, सिंपल से इसको भी स्प्लिट कर देना है ठीक है। और ये छोटा बिट मार्क पे आपको सिंपल सा ये वाला इफेक्ट ब्लेंच इफेक्ट आपको सिलेक्ट करना है ठीक है, राइट पे क्लिक कर देना है ठीक है। जितना भी छोटा बिट मार्क है आपको ब्लेंच वाला इफेक्ट सिलेक्ट करना है। फिर से आपको प्लस पे क्लिक करना है, आपको और एक वीडियो यहाँ पे ऐड कर लेना है ठीक है। इस तरह से वीडियो ऐड कर लेना है, ऐड पे क्लिक करना है, वीडियो को सिलेक्ट करना है, फिल स्किन कर लेना है और एंडिंग पार्ट को इस तरह से स्प्लिट कर देना है ठीक है। इस तरीके से तो आप देख सकते हैं वीडियो के जो जितना भी छोटा बिट मार्क है, आप देख सकते हैं ये वाला छोटा बिट मार्क पे जिस पॉइंट पे मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो छोटा बिट मार्क पे आपको ये ब्लेंच इफेक्ट सिलेक्ट करना है ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से छोटा बिट मार्क पे ये फ्लैश इफेक्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट पार्ट को सिलेक्ट करना है ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट पार्ट को सिलेक्ट करना है, एनिमेशन पे जाना है और आपको इन पे जाना है, और आपको यहाँ पे दिखाई देगा शेक वन, शेक टू और शेक थ्री, आपको शेक वन सिलेक्ट करना है ठीक है। ड्यूरेशन फुल कर देना है, उसके बाद आपको सेकंड पार्ट को छोड़ देना है। फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो का फर्स्ट पार्ट पे जाना है, शेक टू सिलेक्ट करना है, इसका ड्यूरेशन आपको फुल कर देना है। फिर से नेक्स्ट वीडियो का जो है फर्स्ट पार्ट पे चले जाना है और शेक थ्री सिलेक्ट करना है, ड्यूरेशन फुल कर देना है ठीक है। उसके बाद आपको फिर से एक पार्ट छोड़ देना है, फिर से एक पार्ट पे जाना है और आपको शेक टू वन फिर से सिलेक्ट करना है, ड्यूरेशन फुल कर देना है इस तरीके से। उसके बाद ड्यूरेशन फुल कर देना है, फिर से एक पार्ट को छोड़ना है, फिर से वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो उसका फर्स्ट पार्ट को सिलेक्ट करना है, शेक टू सिलेक्ट करना है, ड्यूरेशन फुल कर देना है, फिर से एक पार्ट को छोड़ देना है, फिर से एक पार्ट को सिलेक्ट करना है, शेक वन इस तरीके से ड्यूरेशन फुल कर देना है ठीक है। उसके बाद एंडिंग पार्ट में जाके और एक कोई भी एक शेक इफेक्ट आप ऐड कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देना है, तब देख सकते हैं मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। उसके बाद लिरिक्स का काम भी बाकी है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। सिंपल से आपको क्या करना है, जो वीडियो का फर्स्ट वीडियो का मैंने दो पार्ट किया था, आपको फर्स्ट वाला पार्ट पे ही इफेक्ट देना है ठीक है, शेक इफेक्ट देना है। सेकंड वाला पार्ट को आपको कोई इफेक्ट नहीं देना है ठीक है। इस पार्ट को आप देख सकते हैं मैंने कोई भी इफेक्ट नहीं दिया, इसे सिंपल से नान है ठीक है। आप देख सकते समझ गए ना, कोई भी वर्ड अगर समझ में नहीं आया तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर करना ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट आपने जो रोड्स वाला इमेज सेलेक्ट किया था इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नीचे सिंपल से आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रोज वाले को सिलेक्ट करना है, स्टाइल पे जाना है ठीक है। और फोटो पजल दिखाई दे रहा है, फोटो पजल पे क्लिक करना है ठीक है। ये थोड़ा जनरेटिंग होगा, थोड़ा टाइम लेगा, इस तरीके से 100% हो जाएगा। उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है ठीक है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं रोज पे बहुत सारे इफेक्ट अच्छे से लग गया, ये आप देख सकते हैं ये वाला इफेक्ट लग गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो लिरिक्स है आपको सिंपल से लिरिक्स लिखना है ठीक है। तो लिरिक्स जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उस पॉइंट पर आपको आ जाना है, बैक आना है, टेक्स्ट दिखाई दे रहा है टेक्स्ट पे जाना है, एड टेक्स्ट पे जाना है और आपको यहाँ पे लिरिक्स लिखना है ठीक है। इस तरीके से लिरिक्स लिखना है, इस तरीके से लिरिक्स लिखना है और लिरिक्स को आपको इस तरीके से यहाँ पे नीचे यहाँ पे एडजस्ट करना है ठीक है। स्टाइल पे जाना है और आपको यहाँ पे देख सकते हैं मेरे फॉन्ट्स का नाम है, ये फेचिंग वाला फॉन्ट्स आपको सिलेक्ट करना है। एनिमेशन पे जाना है ठीक है, इन एनिमेशन पे जाना है और आपको यहाँ पे देख सकते हैं डिजॉल्व ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ डिजॉल्व, ये वाला डिजॉल्व देख सकते हैं डिजॉल्व डाउन, इसका ड्यूरेशन आपको फुल कर देना है ठीक है। उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है, इस तरीके से आप देख सकते डिजॉल्व इस तरीके से आएगा और लिरिक्स से सिलेक्ट करना है और नीचे आपको यहाँ पे इस जगह पे आपको एडजस्ट कर देना है ठीक है। पूरा जीरो कर लेना है, इसको जीरो करके आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है ठीक है। उसके बाद लिरिक्स लेना है, जिस पॉइंट पे एंड तो उस पॉइंट पे आना है, सिंपल से इस तरीके से ट्रिम कर देना है। उसके बाद लिरिक्स पे क्लिक करना है, कॉपी करना है और जो भी आपका सेकंड लिरिक्स आपको सिंपल से इस तरीके से ड्रैग करके लेके जाना है और लिरिक्स को इस तरीके से सिलेक्ट करना है, डबल टैप करना है और जो भी आपका लिरिक्स आपको सिंपल से लिख लेना है। उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है ठीक है। तो इसी प्रोसेस के साथ सभी लिरिक्स को आपको कंप्लीट कर लेना है ठीक है। इस तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है और बाकी इफेक्ट आप ये ऑलरेडी लगा लिया मैंने ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इस तरीके का ट्रेंडिंग और लेटेस्ट और अच्छा अच्छा टेटल आपको देखने को जरूर मिलेगा। और जो भी मटेरियल मैंने यूज़ किया है आपको टेलीग्राम चैनल पर ईजिली मिल जाएगा, तो लिंक के डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना ठीक है। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।